नमस्ते, मैं संगीता रेड्डी रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल से बोल रही हूँ। आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशंस पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे, लेकिन दिसंबर में एक बहुत बड़ा हॉलीडे मंथ और हॉलीडे ब्रेक हुआ था, इसलिए हमारा सीरीज थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ। बट वी आर बैक टू इट अगेन। नीचे जो नंबर स्क्रोल हो रहा है, उस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपके सभी क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती, रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल के सीनियर रेटिना सर्जन हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती का फेलोशिप अरविंद मदुराई तमिलनाडु में हुआ था और उनका एक्सपीरियंस 15 साल तक का इस फील्ड में रह चुका है। अभी तक यहाँ के वो सीनियर कंसल्टेंट है और आज डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती हमको समझाने वाले हैं कि रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल में जो नया मशीन आया है, जो हम लोग जर्मनी से इंपोर्ट करके लाए हैं, इस मशीन को बनाया है हाइडलबर्ग नाम की कंपनी में, जो जर्मनी बेस्ड कंपनी है, और मशीन का नाम है स्पेक्ट्रलिस ओसीटी। तो हम आज डॉक्टर सोमनाथ से जानने की कोशिश करेंगे कि ये मशीन लाने से पेशेंट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है, ट्रीटमेंट्स में क्या आउटकम हो सकता है, और ये मशीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एक रेटिना या एक आई क्लिनिक के लिए। नमस्ते डॉक्टर चक्रवर्ती, प्लीज काइंडली एक्सप्लेन टू अस टुडे अबाउट व्हाट इज दिस न्यू मशीन एंड इस मशीन के रहने से हमारे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में क्या बेहतर परिवर्तन आ सकता है। श्योर मैम, सो द थिंग इज दैट एक डॉक्टर एक पेशेंट को जब देखता है और उसको कुछ टेस्ट सजेस्ट करता है, तो बेसिकली हम लोग खाली आंख से जो देख सकते हैं वो तो देख ही रहे हैं। टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें होते हैं जो हम खाली आंख से नहीं एसेस कर सकते। तो रेटिना में स्पेशली आजकल जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड केयर, यानी कि हर एक पेशेंट को उसका आंख का एग्जैक्ट कंडीशन क्या है वो समझ के उसी हिसाब से टेलर मेड ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये इंडिविजुअलाइज्ड केयर तभी संभव हो है जब हम पेशेंट को मल्टी मॉडल इमेजिंग करें। व्हाट इज मल्टी मॉडल इमेजिंग? मतलब एक ही पेशेंट का आंख का एक ही पॉइंट पे हम चार पांच टेस्ट करके समझे कि उसका एग्जैक्ट उस पॉइंट पे बीमारी कितना है या है भी कि नहीं। तो ये मशीन का क्या फायदा है कि ये मशीन बेसिकली मल्टी मॉडल इमेजिंग अलाउ करता है। तो जैसे सोचिए, कोई पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे अगर हम लोग पहले का सोचे तो हमारे पास एक ओसीटी मशीन था और एक सेपरेट एंजियोग्राफी मशीन था। तो जब हम लोग किसी का ओसीटी कर रहे थे एक मशीन से कर रहे थे और उसी पेशेंट को हम लोग किसी और मशीन पे ले जाके एंजियोग्राफी कर रहे थे, यानी कि साइमल्टेनियसली पेशेंट का दोनों टेस्ट एक ही साथ नहीं हो पाता था। हाइडलबर्ग का ये मशीन एक तो और एडवांस्ड है, प्लस इसमें ये सारे टेस्ट एक ही साथ हो सकता है। यानी मैं एक पेशेंट को एक मशीन इस मशीन पे बिठा के उसका ओसीटी एंजियोग्राफी, ऑटोफ्लोरेसेंस, इंडोसाइनिंग ग्रीन एंजियोग्राफी, फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी, मल्टी कलर इमेजिंग, ये सारे टेस्ट कर सकता हूँ। और जैसे आपने सुना, मैं सिर्फ फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी और ओसीटी नहीं, और कई टेस्ट का नाम सुन गिनाया जो पहले नहीं पॉसिबल था, और अब थैंक्स टू दिस मशीन वी कैन डू दोस टेस्ट ऑल्सो। इसमें कई ऐसे टेस्ट हैं जो पहली बार नॉर्थ बंगाल में हो रहा है और अभी भी कोलकाता के एक दो सेंटर से को छोड़ के कहीं अवेलेबल ही नहीं है, जैसे इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी, मल्टी कलर इमेजिंग और एसएलओ बेस्ड फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस। एसएलओ बेस्ड फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस में भी बोथ ब्लू ऑटोफ्लोरेसेंस एज वेल एज इंफ्रारेड ऑटोफ्लोरेसेंस, और साथ में एक जो हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज है वो है ओसीटी एंजियोग्राफी। तो ये मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हम एक ही बार में एक ही पेशेंट को बिठा के एक ही साथ इतने सारे टेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट को उसके लिए बार बार उठा के बिठाना नहीं पड़ेगा। और आंख में हम लोग सब जानते हैं कि एक छोटा सा जगह है, हम लोग उसको ज्यादा देर तक आंख खुला रखने के लिए भी किसी को बोलते हैं तो वो भी एक परेशानी हो जाता है। तो इसीलिए बहुत फास्ट टेस्ट अगर ना हो तो पेशेंट भी बहुत थक जाता है। तो एक ही मशीन पे ये सारे फैसिलिटीज एक साथ होने के साथ साथ ये मशीन जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट मशीन है, क्योंकि ये सारा लेजर बेस्ड है, फ्लैश लाइट बेस्ड नहीं। जैसे हमारे पहले के जो फंडस कैमरा होते थे, जैसे जाइस का एक फंडस कैमरा हमारे पास था, बहुत अच्छा कैमरा था लेकिन इट वॉज लाइट बेस्ड, यानी कि आपके आंख में एक फ्लैश लाइट मार के पिक्चर लिया जाता था। तो अभी जो है हमारे पास जो मशीन है हाइडलबर्ग, इसमें कोई फ्लैश लाइट कुछ भी ऐसा नहीं आपके आंख में, मतलब हम लोग नहीं करते, इट इज जस्ट लेजर बेस्ड। तो उससे क्या होता है, पेशेंट का कंफर्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है।
साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ एक दो पेशेंट्स देखें, जैसे ये एक पेशेंट का फोटो है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टी कलर इमेजिंग। अब मल्टी कलर इमेजिंग में क्या होता है, तीन अलग लेजर्स जो हैं उसके इस्तेमाल से रेटिना को स्टडी किया जाता है। एक है ब्लू लेजर, एक ग्रीन लेजर और एक इंफ्रारेड लेजर। और इन तीन लेजर का फायदा क्या है, ये एक सिर्फ फोटो नहीं दे रहा है कि हाँ रेटिना देखने में ऐसा है, क्योंकि रेटिना का फोटो जब हम लोग लेते हैं, क्यों लेते थे, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट करना चाहते थे कि जब मैंने पेशेंट को ओपीडी में देखा तो मुझे पेशेंट का रेटिना कैसा लगा, उसी का एक फोटो ले रहे थे और कुछ नहीं। बट मल्टी कलर इमेजिंग इज नॉट फंडस फोटो, ये एकदम अलग चीज है। जैसे अगर हम इसी पिक्चर को देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ब्लड है और एक ये जगह पे हम लोग कुछ हरा हरा कलर का देख पा रहे हैं। ये हरा इसलिए है क्योंकि रेटिना यहाँ पे स्वोलन है, फुला हुआ है, सूजन है रेटिना में। तो ये चीज आपको फंडस फोटो में कभी नहीं दिखेगा। फंडस फोटो में ये अलग से ग्रीन कलर कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ आपका ब्लड दिखेगा कि है। यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर देख के डॉक्टर खुद समझ सकता है कि ओके पेशेंट का रेटिना इतना एरिया में सूजन सूज गया है, और हम उसको जब इलाज करेंगे तो ये सूजन कम हो रहा है कि नहीं, सिर्फ ये फोटो देख के भी हमको समझ में आएगा। ऑब्वियसली रेटिना कहीं सूजा है कि नहीं वो समझने के लिए हम लोग ओसीटी भी करते हैं, जैसे इस पेशेंट का भी अभी हम दिखाएंगे आपको कि इस पेशेंट का ओसीटी भी हो गया है। और यही एडवांटेज है कि हम लोग एक ही बार में इतना सारा टेस्ट कर पा रहे हैं। तो देखिए ये पेशेंट का यहाँ पे जैसे ये ओसीटी स्कैन है जो दिखा रहा है कि रेटिना उठा हुआ है क्योंकि उसमें सूजन है, और हमने उस पिक्चर में देखा था अभी कि ये पूरा एरिया में हरा था और आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया में ही रेटिना उठा हुआ है। अब आपको अगर याद हो यहाँ पे रेटिना हरा नहीं था, तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं देखिए रेटिना बैठा हुआ है। अब सोचिए अगर हम ये ओसीटी को नहीं करते हैं और सिर्फ ये मल्टी कलर इमेजिंग को ही देखते हैं, तो भी मैं सिर्फ इस एरिया में हरा कलर चेंज हो रहा है कि नहीं उससे पेशेंट को बता पाऊंगा कि उसका कितना एरिया में अब इडिमा बच गया, यानी कि स्वेलिंग बच गया है। तो ये सब बहुत एडवांस एक टेक्नोलॉजी जो है जो हमारे पास पहले नहीं था, अब ये आ चुका है। और सच पूछिए तो हाइडलबर्ग का जो ये स्पेक्ट्रलिस मशीन है, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रेटिनल मल्टी मॉडल इमेजिंग माना जाता है। इसीलिए चाहे लंदन का मूरफील्ड हो या न्यूयॉर्क का एडवांस आई हॉस्पिटल्स हो, यूएस से लेके अब कहीं यूरोप में जाइए, सब जगह ये मशीन को जितना रिसर्च बेस्ड सेंटर्स है जहां कटिंग एज काम हो रहा है, इंडिया में भी चाहे एलवी प्रसाद हो, शंकर नेत्रालय हो, सब जगह यही मशीन है। क्योंकि हम लोग जब अपग्रेड करना चाहते थे तो करीब 8 साल हो गया है रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल को, हमको समझ में आ रहा था कि अब रेटिना का अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी अब हमारे पास आने लगे हैं, तो हमको अगर और बेटर सर्विस देना है तो पेशेंट की बीमारी को और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब सोच रहे थे कि हमको अब एक डिसीजन लेना चाहिए कि हमको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा डायग्नोस्टिक एक्चुअली में और एडवांस हो, ये नहीं कि हम वही ओसीटी कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक ओसीटी से आपका पानी है नहीं है इतना तो कोई भी बता सकता है, बट वी नीडेड मोर, अदरवाइज हम कैसे एडवांस ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर हम एडवांस डायग्नोस्टिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो वी टॉक टू अ लॉट ऑफ सीनियर डॉक्टर्स फ्रॉम सेंटर फॉर साइट न्यू दिल्ली, रेटिना फाउंडेशन अहमदाबाद, शंकर नेत्रालय चेन्नई, एलवी प्रसाद हैदराबाद, एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी यूनैनिमस कि दिस इज द मशीन, इफ वी हैव दिस, सिंस इट इज अ मल्टी मॉडल मशीन जिसमें हम एक ही साथ इतना सारा टेस्ट कर पा रहे हैं और वो भी बहुत एडवांस तरीके से, एक यूनिक तरीके से, तो दिस वुड बी एन आइडियल एडिशन टू रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल, जिसके बदौलत रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल एक्चुअली में और एडवांस ट्रीटमेंट और एक्यूरेट ट्रीटमेंट दे सकता है। सो आई थिंक दैट इज अ great thing for us. We are very fortunate that thanks to the support from Dr. Reddy and Mrs. Reddy, now we have this machine here. Retina Institute of Bengal ek super specialty aankha hospital jasle motibindu glaucoma squinters ra sabai retina samasya ko upachar pradan gardacha pradan nagar ko vishwadeep cinema agadi hamro hospital raheko cha bhane mithibari salbari silgari ma pani ek clinic raheko cha के तपाईं सबैभन्दा कम लागतमा उत्तम उपचार खोज्दै हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, रेटिना इन्स्टिच्युट अफ बंगाल तपाईंको सेवामा तत्पर छ। तमिलनाडुको अरविन्द आँखा अस्पतालबाट प्रशिक्षित अनि नेपालको मेचीमा समेत लामो समय कार्य गरेका ख्यातिप्राप्त डाक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती र डाक्टर शन्तनु गांगुलीको पाउनुहुनेछ विशेष सेवा। हाम्रो लक्ष्य सबै आँखा रोगीहरूको लागि सबैभन्दा
आधुनिक उपकरण को साथ में सुपथ मूल्य में उपचार उपलब्ध गराउनु हो। हामी गर्व गर्छौं रेटिना इंस्टिट्यूट अफ बेंगल एक मात्र आँखा अस्पताल हो जसमा मोड्युलर अपरेशन थिएटर, छवि निर्देशित भेरियल प्रणाली र आईओएल मास्टर 700 छ। तपाईं विश्वस्त बन्नुहोस्, एकपटक तपाईंले रिपमा मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरेपश्चात तपाईंले फेरि कहिल्यै चस्मा लगाउनु पर्दैन। रेटिना इंस्टिट्यूट अफ बेंगल रेडी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड प्रधाननगर सिलगढी परिसरमा अवस्थित छ। तपाईले हामीलाई अपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रधाननगरको निम्ति 8653484584468446 and 8447 अनि सालबारीको निम्ति 8653661636 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईले हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कहाँ आउन अघि हाम्रो वेबसाइट www.retinainstituteofbengal.com मा गएर जानकारी लिन अनुरोध गर्दछौँ।